गुना जिले के आरोन इलाके की पूरी सुनगयाई पंचायत निर्विरोध चुन ली गई है। सरपंच और सभी 12 पंच महिलाओं को चुना गया है और खास बात यह है कि निर्विरोध सरपंच चुनी गई ललिता राजपूत पूर्व दस्यू मलखान सिंह की पत्नी है। मलखान सिंह पिछले 3 बार से लगातार निर्विरोध सरपंच चुने जाते रहे हैं। इस बार महिला के लिए सीट आरक्षित होने के चलते उनकी पत्नी को चुना गया। निर्विरोध सरपंच चुनी गई ललिता राजपूत से हमारी संवाददाता पंकज श्रीवास्तव ने बातचीत की। पहला लक्ष्य आपका क्या है कि यहाँ क्या और होना चाहिए? कुछ हटके करेंगे। सब देखने वाले भी जनता ये कहेगी कि हाँ, किसी ने सरपंच बना था तो उनने ये काम किया। हटके करेंगे। पानी की कितनी समस्या इस क्षेत्र में? पानी की समस्या है तो पानी भी देंगे और गौशाला भी बनवाएंगे या सड़क भी बनवाएंगे और बिजली का भी सब परेशानी थी तो उसको पूरा करेंगे हम। आप आई हैं यहाँ पर, कितने प्रतिशत आप समझती हैं कि लड़कियों को साक्षर होना चाहिए? बिल्कुल कम से कम 50%। शासन से मांग करेंगे कि स्कूल का। यहाँ अभी किस क्लास तक स्कूल? आठवीं। आपके पति यहाँ 3 बार सरपंच रहे हैं, फिर जनता ने आप पे विश्वास जताया है, अब उस विश्वास पर यहाँ जो पानी की समस्या है, स्कूल की समस्या है, अब मुख्यमंत्री ने जो 15 लाख की घोषणा की थी वो इस पंचायत को मिलने वाले हैं। पंचायत को मिलेंगे तो मंदिर में लगाएंगे, गौशाला भी खुलाना है, स्कूल भी, सारी व्यवस्था करना है। तो ये है ललिता जो निर्विरोध चुनी गई है और इनका ये कहना है कि यहाँ मंदिर भी बनाना है, गौशाला भी बनाना है और सबसे बड़ी बात लड़कियों को साक्षर करना है। आखिर यही सी विश्वास से 4थी बार इनके घर से कोई सरपंच बन रहा है। मेरे सहयोगी रोहित के साथ पंकज श्रीवास्तव, बंसल न्यूज़, सुगनिया गांव, आरोन।